रीवा जिले में बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि जहां चोरी लूट हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं, वहीं अपहरण जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नीम चौराहे का है, जहां बोदा बाग निवासी युवक का सिरमौर चौराहे से अपहरण कर लाया गया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले चार युवक थे, जिनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। किसी तरह से जान बचाकर भागे युवक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी तो परिजन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि ऋषिकेश पांडे का मित्र विपिन विश्वकर्मा कलेक्ट्रेट का कर्मचारी है, जो भोपाल से अपने अधिकारी के साथ रात्रि में रीवा पहुंचा था। सिरमौर चौराहे से बोदा बाग आने के लिए अपने दोस्त ऋषिकेश पांडे को फोन कर बुलाया था। युवक जैसे ही बाइक से सिरमौर चौराहे पर पहुंचा तो उसे कृष्ण कुमार उर्फ रन्नू चौबे, मोनू चौबे, दीपक पांडे मिले और शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। युवक ने पैसा देने से इनकार किया तो उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर नीम चौराहे ले गए, जहां उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, जब ऋषिकेश के दोस्त विपिन विश्वकर्मा को उसका दोस्त नहीं मिला और मोबाइल बंद बताने लगा तो वह पैदल ही नीम चौराहे की ओर चल दिया। जब नीम चौराहे पर सभी आरोपियों को ऋषिकेश पांडे के साथ मारपीट करते देख बीच बचाव करने पहुंचा तो उसे भी बंधक बना लिया। हालांकि युवक किसी तरह से जान बचाकर भागा और परिजनों को सूचना दिया। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही सत्यता स्पष्ट हो पाएगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्या वरिधि तिवारी को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। ग्राम शैलेंद पांडे, मैं बोदाबाग का निवासी हूँ। कल रात को मेरे साथ वारदात हुई है। जो वारदात से मैं अपने मित्र को जा रहा था लेने जा रहा था, जो सिरमौर चौराहे थे, ये कृष्ण कुमार चतुर्वेदी और उर्फ रन्नू चौबे और मोनू चौबे और विकास चौबे और दीपक पांडे, ये चारों थे। तो वहाँ से ये लोग हमको उठा लिए, मतलब मैं इनको लेने जा रहा था, मेरी गाड़ी खड़ी करा के अपनी वाली गाड़ी ले लिए थे। तो मैं अपनी वाली गाड़ी से ये लोग हमको अपने घर ले गए। फिर वहाँ इन्होंने बोला कि पैसे दो मेरे को। हमने बोला काहे को, कहीं दारू पीने को पैसे चाहिए मेरे को, आज मेरे से ले लो, कल मेरे तुम्हारे पिताजी से दिलवा देना। हमने बोला कि पिताजी से वो पिताजी से हम पैसे ये सब चीज़ों के नहीं मांगते हैं। वो मेरी माँ बहन सबको गाली दे रहे हैं, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बोलते हैं कि मैं 28 मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा 29 है। सर हमें जब हमको हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे तब हमारे मित्र वहाँ से भाग गए थे, मतलब वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गए हमारे घर पे सूचना देने के लिए। तो वो हमारे घर पे सूचना दिए तो वहाँ से हमारे भाई आई, ये काफ़ी घंटे से हमें 2.5 घंटे से सर ये हमें बेड़ के मार रहे थे। और सर इन्होंने बोला है, सर पे कट्टा लगाने को बोला है और जान से मारने की धमकी भी दी है कि तुम्हें जहाँ पाएंगे वहाँ मार देंगे, तुम्हारा तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो हमारे मंत्री साहब हैं वो अपने आदमी हैं और बोल रहे थे मंत्री साहब हमारे वो धोते हैं। किस मंत्री का नाम लिया जा रहा है? राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लिया जा रहा था। बोलते हमारे वो धोते हैं, क्या कहते हैं, चरण। और ये बताइए आपके साथ कौन थे? तो बोले और बोले कि टीआई एसआई जो है हमारी जेल में है। हम बात को लेकर मारपीट की गई, क्या आपका कोई पुराना विवाद है? हमारा कोई इनको पुराना विवाद नहीं था। बोले थे गाली दे, तुमने मेरे को गाली क्यों दी है? मैंने बोला गाली कहाँ दी है आपको मैंने। बोलते तुमने गाली दी है, तुम इसको कबूलो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब जान तो सर कितने की संख्या में थे? कै लोग रहे? आरोपी सर चार लोग थे। चार लोग थे। किससे मारपीट की? सर डंडा से मारपीट की है, रात से मारपीट की है और सर चक्कू बेल्ट सब दिखा रहे थे। क्या घटना? ये मेरा साथी है, मैं भोपाल से कल वापस आ रहा था अपने साहब के साथ में। तो रात 12 बजे मेरे को साहब ने सिर मोह चढ़ा पिछोल दिया। तो मैंने अपने साथी को फ़ोन किया कि यार आ जाओ, ऑटो नहीं मिल रहा है तो घर पर चलते हैं साथ में। तो ये घर से आ गया और ये घर से निकलते ही इसने मेरे को बताया कि जब मैं घर से निकला तो गेट के पास ही चौबे मार्केट में ही इसको दो लोगों ने इसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। और गाड़ी में बिठाने के बाद इसको नीम चौराहे में ले गए, वहाँ कॉलोनी है इनकी रन्नू भैया की, तो वहाँ कॉलोनी में इसको ले गए। तो मैं काफ़ी देर तक चौराहे पर इंतज़ार करता रहा कि ये अभी तक आया क्यों नहीं। जब मैं काफ़ी टाइम हो गया ये नहीं आ पाया तो मैं वहाँ से पैदल ही इधर अपने घर तरफ लिया आने लगा।
जब मैं नीम चौराहा पहुंचा तो मैं देखा तो कि इसको वो दो लोग इसको मतलब घसीट के हाथ पकड़ के ऊपर सीढ़ी से ले जा रहे थे। तो मैं पहले से साइड में देखा कि कहीं इनके पास कुछ हथियार वगैरह तो नहीं है। फिर मैं देखा कि ये सब तो अपने घर के लोग हैं, अपने मोहल्ले के लड़के हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। मैं गया इसको देखने के लिए। जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को भी पकड़ के बोला कि तुम भी अंदर चलो। तो मैं भी इनके साथ में मैं भी अंदर फंस गया। अब इनने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके अब अंदर हो गया। मतलब महसा महसी होने लगी, गाली गलौज काफ़ी इसको देने लगे। आपके साथ भी मारपीट हुई है? नहीं, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई। मैं वहीं पास बैठा हुआ था, पर मतलब हो गया धमकी दे रहे थे कि मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप क्या करते हैं? मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। कौन सी पोस्ट? ऊर्जा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं। कलेक्ट्रेट में? हाँ। तो वहाँ पे जब इसको मारपीट होने लगी तो काफ़ी झपटी झपटा होने लगा। तो मैं बोला कि अब लगता कोई बचा नहीं पाएगा, तो मैं किसी वजह से वहाँ जान बचा के भागा। फिर मैं घर पहुँच के रास्ते में दौड़ता हूँ मैं घर तक गया। तो वहाँ से कुछ लोगों ने मेरे को मतलब पीछा भी किया पकड़ने के लिए, पर मैं काफ़ी रफ्तार से घर तक पहुँचा। घर पर जाने के बाद मैं एक परिजनों को सूचना दिया कि वहाँ मंकू को कुछ लोगों ने घर के अंदर बंद करके मारपीट कर रहे हैं, मैं भी किसी तरह से भाग के वहाँ आया हुआ हूँ, तो चलिए उसको बचाएँ। घटना की शिकायत कितने समय कराएँ दर्ज? घटना की शिकायत अभी हम लोग सुबह थाने पर ही आए हुए हैं, तो अभी तो FIR अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल से। अभी DI साहब किसी मीटिंग में बैठते हैं, उन्हें बोला कि आधे घंटे रुकिए उसके बाद करते हैं। घटना में किसी हथियार का भी उपयोग किया गया? घटना में जब तक मैं था तब तक हथियार से डंडा बस था। जब मैं वहाँ से भाग के आ गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी आरोपी पकड़ भी गए हैं क्या? कुछ दो लोग पकड़ गए हैं, अभी पुलिस वाले लेके आए हैं दो लोगों को, और अभी बाकी मिल पाया। विवेक पांडे कल रात में अपने साथी विपिन कुमार पांडे को लेने जा रहे थे, तो नीम चौराहा के पास में कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, मोनू चतुर्वेदी और विकास चौबे ने उनके साथ मारपीट की है। और उसी दरमियान वहाँ पर दीपक पांडे भी खड़ा हुआ था, और जो वार्तालाप का उनका वो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो अनावेदक लोग हैं वो शराब के नशे में थे। और हमारी रात में गाड़ी भी जो मूव करती है, गश्त में रहती है, उन्हें भी रात में विवेक पांडे से उनकी भेंट हुई थी, तो उनको सुरक्षित सब पहुंचने की वो किया गया था, वो सब भाग गए थे। उन्होंने सुबह अभी रिपोर्ट लिखाई है, उस पर हम अभी MLC के लिए भेजे हैं, विवेक की MLC के लिए भेजे हैं। क्या किसी तरह की गिरफ्तारी? हाँ, अभी दो लोगों को बुलाया हुआ है, राउंड अप किया है, विकास चौबे और दीपक पांडे को। फरियादी द्वारा बताया जा रहा है कि कट्टे में चमकाया गया है, क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा मुझसे नहीं बताया, और न मेरे रात में जो हमारे डायल 100 में ASI भट्ट जी थे उनसे भी ऐसा बताया। सर, आरोपियों के क्या कुछ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड? ये जो आरोपी कृष्ण कुमार चतुर्वेदी हैं उनके विरुद्ध पुराने मामले हैं, अभी उनका हम निकाले भी हैं कंप्यूटर से। कृष्ण कुमार का 2007 से लेकर 17 तक 7 अपराध हैं कुल। क्या